प्रियंका वाड्रा यूपी में छा गईं, ऐसा तो होना ही था क्योंकि लखनऊ में उन्होंने हाई प्रोफाइल ड्रामा जो किया। प्रियंका वाड्रा ने पहले यूपी पुलिस पर गला दबाने के गंभीर आरोप लगाए, पूरी कांग्रेस उसे दोहराने लगी। मामला जमे इसके पहले प्रियंका वाड्रा अपने बयान से पलट गईं और कहने लगीं कि गला नहीं दबाया, गले पर हाथ लगाने की कोशिश की। हाथ लगाने की कोशिश और दबाने में जितना बड़ा अंतर है, उतना ही बड़ा अंतर कांग्रेस की सोच और सियासत में है। कांग्रेस ने मौका मिलते ही ट्वीट किया और कहा कि चाहे गला दबाओ या धक्का मारो, आवाज कभी न होगी कम। कान खोल कर सुन लो हुकूमत, हम डटे रहेंगे चाहे जितना कर लो सितम। कांग्रेस के इस वोट बटोरू नौटंकी पर बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए और कहा कि पूरा परिवार झूठ पर फल फूल रहा है, इस तरह के काम से अस्थायी पब्लिसिटी मिलेगी, वोट नहीं। प्रियंका वाड्रा की नौटंकी की निंदा होनी चाहिए। असल में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रियंका वाड्रा पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर से मिलने जा पहुंची। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। प्रियंका को उनसे मिलने जाने से रोक दिया गया, लेकिन प्रियंका तेजी से आगे बढ़ती चली गई। प्रियंका ने कहा कि हम दारापुरी के परिवार से मिलने जा रहे थे, रास्ते में पुलिस की एक गाड़ी आई और हमें रोक कर कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं पैदल जाऊंगी। जब मैं पैदल चलने लगी तो मुझे घेर कर मेरा गला दबाया। लखनऊ की सीआईओ डॉक्टर अर्चना सिंह का कहना है कि जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। मैं फ्लीट की इंचार्ज थी, किसी ने भी उनके साथ बदसलूकी नहीं की। सूचना थी कि मैडम घर जाएंगी, उसी हिसाब से फ्लीट का अगला हिस्सा उनके आवास की तरफ मुड़ गया, लेकिन मैडम सीधा दूसरे रास्ते पर जाने लगी। मैं ये जानना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, ताकि सुरक्षा का इंतजाम उसी हिसाब से किया जा सके। इस दौरान मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। प्रियंका वाड्रा ने अब आरोप लगाए तो कांग्रेस इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसमें हकीकत कम और फसाना ज्यादा है।